सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे ऐसे हमारे सम्मान्य यशस्व मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य मदन जी राठौर साहब, हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सम्मान्य राधामोहन जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य अशोक जी परनामी, सम्मान्य सीपी जोशी जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण और यहाँ पर पधारे हुए सभी सांसद गण, सभी राजस्थान सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्री और सभी विधायक गण और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, जिस तरह से सम्मान्य यशस्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे यशस्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन इस देश में छोड़ा है उसको पूरा करने के लिए हमारे यशस्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब से इन्होंने कुर्सी संभाली जब से लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि मैं इनका विजन पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान का सपना साकार करूं। इसके लिए हम अभी साउथ कोरिया और जापान जाके आए हैं। निश्चित रूप से मैंने देखा वहां पे कि सम्मान्य यशस्व मुख्यमंत्री जी ने शायद ही ऐसा समय खराब किया होगा कि रात को जब आप 12-1 बजे सोते थे और सुबह 8 बजे तैयार होके निकलते थे और बीच में कहीं भी इधर-उधर नहीं, केवल और केवल उन निवेशकों के साथ मीटिंग का कार्यक्रम चलता रहा और उन निवेशकों को जिस तरह से आपने उत्साहित किया है, जिस तरह से इस राजस्थान में आने का आपने उनको निमंत्रण दिया है, निश्चित रूप से वो बहुत खुश थे और इन्होंने सबको राधे राधे के रंग में भी वह रंग किया है और सभी से राधे राधे का नाम वह दिलवा के आए। मैं मानता हूँ कि माननीय यशस्व मुख्यमंत्री जी आपने जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन किया और उनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया, निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे और आपके इस राजस्थान के विजन को निश्चित रूप से राजस्थान में पूरा करेंगे। हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार मिलेगा और इस विकसित राजस्थान का सपना साकार करने में उनकी अहम भूमिका होगी। निश्चित रूप से सब आप इस भारतीय जनता पार्टी के हर परिवार का सहयोग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर आपके इस विजन को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।